ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तू कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय मित्तल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे इनके भजन सुने हैं और दोस्तों आपने कई सारे लाइव भजन भी इनके सुने होंगे। तो दोस्तों आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात जरूर आई होगी कि आखिर ये संजय मित्तल कौन है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो देखकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं संजय मित्तल की, तो जैसे कि खाटू श्याम जी के भजनों की बात करते हैं, संजय मित्तल जी का नाम प्रथम स्थान पे आता। संजय मित्तल जी खाटू श्याम जी के भजनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पहली बार श्री श्याम कला भवन के बैनर तले पहला भजन गाया था। और दोस्तों इन्होंने अपने YouTube चैनल पर कहा है कि जब पहली बार उन्होंने स्टेज पर भजन गाया तो दोस्तों इनके जो है पांव पूरी तरीके से कांप रहे थे, लेकिन जब पहला भजन गाया तो प्रसिद्धि हासिल करते रहे। तो दोस्तों आप तो उनको जानते ही अच्छी तरीके से कि अभी उनकी आवाज के पूरी दुनिया दीवानी है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं उनके आज के ज़माने के जितने भी कलाकार हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं संजय मित्तल से कम ही हैं। और दोस्तों अगर आप संजय मित्तल को पसंद करते हैं और उनके भजनों को अगर आप ज़्यादातर सुनते हैं, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इनका पहला भजन कलकत्ता के राजेंद्र प्रसाद जी चावल के द्वारा गवाया और पहली कैसेट भी रिलीज हुई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई। कलकत्ता के भव्य भजन संध्या में इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इनके भजनों को सुना गया और इनको पसंद किया गया। दोस्तों इन्होंने अगर बात की जाए इनके भजनों की, तो इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है और वो अपने स्टूडियो से ही अपने भजन को रिलीज करवाते हैं। दोस्तों हर 15 दिन में यह एक नया भजन रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज भी करते हैं। दोस्तों इनका खुद का चैनल भी है जिस पर इनके भजनों को प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको स्टोरी किस प्रकार लगी, क्या इससे आप थोड़े भी इंस्पायर हुए या फिर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज यार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आपके भाई आपके दोस्तों को आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।